हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जो इस चैनल पर नए नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, आज के लिए न्यू टॉपिक है जो कि क्लास टेन के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स। जो अगर आपके अगल बगल में कोई क्लास टेन का हो तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करवाइए, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग मेरी मदद कीजिए, ठीक है। चलिए, आज के लिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, आज मैं त्रिकोणमिति बताने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति का अनुपात, ठीक है फ्रेंड्स। त्रिकोणमितीय अनुपात एट नंबर है, ठीक है। एट नंबर नहीं मतलब एट चैप्टर वाला, एट चैप्टर है, ठीक है। क्लास टेन है, एनसीईआरटी है, ठीक है फ्रेंड्स। मैथ, चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। मतलब लंबा छोटा ही रखता हूँ और ज़्यादा ही समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, त्रिकोणमिति है क्या इसको पहले समझते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब क्या हुआ तीन, और ये कोण मतलब कोण, और मिति मतलब मापना। क्या हुआ फ्रेंड्स, तीन कोण का मापना, तीन कोण का मापना, ठीक है फ्रेंड्स। त्रिकोणमिति समझ में आ गया, तीन कोण का मापना, जैसे कि तीन कोण, ये हुआ तीन कोण मतलब समकोण। जैसे कि कुतुब मीनार का लंबाई नापना है, देख के ही नापना है इस तरह, जैसे कि फीता से नाप लेंगे लेकिन देख के ना करना, देख के मतलब जैसे इस तरह कितना होगा, मतलब इस तरह तो नापने नहीं जाएंगे, मतलब उसका लंबाई निकालना है, ठीक है। जैसे इस घर का निकालना है उसी तरह, ठीक है फ्रेंड। इतना तक तो समझ में आ गया होगा, तीन कोण का मापना, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला चलते हैं, ठीक है। तीन कोण का मापना, अब हम लोग मन से लेते हैं समकोण त्रिभुज। मन से ना मतलब कि लेना ही होगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। राइट एंगल, एक ठोर लेते हैं, सीधा नहीं हो रहा है, आप लोग सीधा से बनाइएगा। हो गया यहां तक हुआ। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको ए ए बी सी, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो कौन ले लिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसका नामांकन करते हैं, इसका नामांकन, कौन आधार है कौन कारण है, आप लोग को तो पता ही नहीं होगा क्योंकि आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉकडाउन में। आप लोग मास्क पहनिए, हमेशा जहाँ से निकलते हैं मैं मतलब छोटा भाई आप लोग के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं आपका छोटा ही भाई जैसा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हुआ, अब जैसे कि यहाँ 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ कि नहीं। अब 90 डिग्री के आमने सामने भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, ठीक है। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थोड़ा पानी पीने दीजिए। कर्ण को क्या इंग्लिश में कहते हैं, हाइपोटेन्यू, ठीक है फ्रेंड्स। गर्म लग रहा है, गर्मी बहुत है, ठीक है। कर्ण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेन्यू। ठीक है, अब यहां भी तो होगा 90 डिग्री के आमने सामने भुजा को कर्ण कहते हैं, हाई पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जैसे कि यहाँ सी के सापेक्ष लेते हैं, सी के सापेक्ष के आमने सामने वाले को क्या कहेंगे हम लोग, लंब कहेंगे, क्या कहेंगे, लंब।
जैसे कि यहाँ पर भी सी के सापेक्ष लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, होगा कि नहीं? लेकिन हम लोग यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे तो कौन बनेगा, यहाँ तो कौन बनेगा, तो जैसे कि यहाँ इसके सापेक्ष लिए, हम यहाँ से सापेक्ष लेते हैं, इसी कारण दो ट्रायंगल बनाए, ठीक है? यहाँ के सापेक्ष से लेते हैं हम लोग इस कोण के सापेक्ष, तो इस कोण के आमने सामने भुजा क्या होगा, ये क्या होगा, लंब होगा, ठीक है फ्रेंड्स? अब जैसे कि ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, तो ये तीन भुजा है, तो दो भुजा जानते हैं, तो एक भुजा अपने से आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार, क्या हुआ, आधार, ये क्या हुआ, आधार। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, बेस, ठीक है फ्रेंड्स? आधार को क्या इंग्लिश में कहते हैं, बेस, ठीक है? और आधार को बेस कहते हैं, और लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ये भी हुआ आधार का परपेंडिकुलर, इसको यहाँ लिख देते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है? इतना तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं, क्या लेते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप लोग उसको अच्छे तरीके से समझिए, और जैसे कि त्रिकोणमिति बहुत बहुत VVI है, क्या है, बहुत बहुत VVI, ये मतलब जो कि 10th पास होके जो कि साइंस रख लेता है, साइंस रख के मैथ रखता है, उसके लिए बहुत बहुत VVI है, ठीक है फ्रेंड्स? और ये 10th में भी कम से कम ये 30 नंबर तक पूछ लेता है कभी कभी बिहार बोर्ड में, ठीक है? तो इस कारण जो इस जैसे बाकी चैप्टर को छोड़ देगा, इसको भी कर लेगा तो मेकअप कर सकता है। साइंस में मतलब जैसे कि मैथ में मतलब इंटर में मतलब जैसे कि अगर यही वाला पढ़ लिया ना, यही वाला त्रिकोणमिति, अक्सर सब में ही मतलब पूरा त्रिकोणमिति भरा है साइंस मैथ में, ठीक है? यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में जाते हैं, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है फ्रेंड्स? अब यहाँ तक उतार लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। चलिए एक बार मिटाते हैं, क्या हुआ, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है? इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय को एंगल बना लेते हैं, ये हुआ ए, ए बी ए सी, ये 90 डिग्री हुआ, इसके सापेक्ष लेते हैं तो ये हो जाएगा पी ए बी ई एच, ठीक है? पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यू, ठीक है? यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है? अब जैसे कि ये हुआ कर्ण, इतना बड़ा हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ कर्ण, हुआ कि नहीं? इसको जब हम लोग स्क्वायर करते हैं बराबर में, तो ये सब दोनों ऐड हो जाता है, ये सब दोनों मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है? कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है? ये सूत्र हो गया, ये यहाँ तक मतलब इसके बराबर, ये सब दोनों ऐड में आ जाता है, इसके बराबर, जैसे कि इसके बराबर एच स्क्वायर के बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है? मतलब जोड़ में, अगर इसको दोनों को जोड़ते हैं परपेंडिकुलर और बेस को, तो ये निकल जाएगा। अगर ये निकला हुआ है
और ये निकला हुआ तो ये निकाल लेंगे, ठीक है। इसी कारण यहाँ पर हुआ, अगर जैसे कि क्वेश्चन में सगर एच स्क्वायर ही नहीं निकालना होगा, कभी परपेंडिकुलर निकालना होगा, कभी बेस भी निकालना होगा, तो इसी कारण हम लोग इसको और इसको लंबा चौड़ा सूत्र बनाते हैं, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक अब जैसे कि हमको पी स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो पी स्क्वायर पहले शुरुआती में दे देते हैं, इसको इधर ला देते हैं, ये प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला बी इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में था। अब हमको जैसे कि जिस तरह हम एच स्क्वायर निकाले उस तरह पी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर भी तो निकालना होगा बेस, तो बेस के लिए हम लोग बी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर है और ये पी स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ नहीं आता, यहाँ प्लस है, इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर में है, हमको नॉर्मल में निकालना है, जैसे कि यहाँ पर एच स्क्वायर है, हमको एच निकालना है, किसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए, जैसे कि स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये हुआ पी स्क्वायर, ये हुआ बी स्क्वायर, यहाँ तक तो समझ में आया। जैसे हम इसको स्क्वायर हटाएंगे फट से यहाँ पर रूट लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या लग जाएगा रूट। उसी तरह पी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बी भी निकालना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, फिर से समझाते हैं। जैसे कि ये परपेंडिकुलर हुआ सी के सापेक्ष, हुआ कि नहीं, ये हुआ बेस, ये हुआ हाइपोटेन्यूज, हुआ। अब यहाँ तक हुआ, ये हुआ इसके एच है, ये हाइपोटेन्यू एच, इसके मतलब इसका लंबाई जितना है ये सब दोनों का ही उतना है, ठीक है। यहाँ समझ लीजिए, जैसे कि ये पेन है, ये पेन है, ये पेन हुआ, ये इतना का ही लंबाई इतना होता है, ठीक है, यहाँ पर तो समझ में आ गया, इतना का लंबाई इतना। तो उसी तरह यहाँ पर हम लोग हुआ एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर चलिए एक बार मिटाते हैं। फिर एक एंगल लेते हैं, राइट एंगल, ठीक है, ये पी हुआ, ये बी हुआ, ये एच हुआ, ए बी सी 90 डिग्री, ठीक है। अक्सर आदमी सी के ही सापेक्ष रहता है, सी के ही सापेक्ष परपेंडिकुलर, अगर ये ए के सापेक्ष रहता तो यहाँ पर पी ए रहता है, ठीक है, लेकिन ये सी के सापेक्ष है, पी बी एच मतलब समझे ना, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यू, ठीक है। अब हम लोग त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़ते हैं, ठीक है, अनुपात ये भी बहुत बहुत भी आई है, दसवां पास हुए ना, दसवां पास अक्सर साइंस रखता है स्टूडेंट, तो वहाँ से इंजीनियर लेवल तक आएगा, ये इंजीनियर से भी बड़ा, लेकिन हम लोग अभी तो 12 ही पास हुए हैं, ठीक है, इतना ही भी आई है, ठीक है। अनुपात क्या होता है, वाई साइन कॉस टेन
कोसेक कोट, ठीक है, यही तीन चार ये छ होता है। अब जैसे कि हम लोग किसके सापेक्ष ले रहे हैं, सी के सापेक्ष ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ हो जाएगा साइन सी कॉस सी टेन सी कॉस सेक सी और यहाँ सेक सी कॉट सी, ये हुआ। लेकिन हम लोग यहाँ थीटा लेंगे, थीटा ही अक्सर अच्छा होता है, थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ सी रहने दीजिए, लेकिन हम लोग यहाँ थीटा लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, जिससे कि यहाँ पर थीटा रहता है, अभी ये थीटा ही, जैसे कि यहाँ सी है तो हम लोग यहाँ सी भी ले सकते हैं, ठीक है। यही हम लोग का एंगल है, यहाँ पर सी रहने दीजिए, ठीक है। अनुपात किसको कहते हैं, अनुपात इसको कहते हैं, ठीक है, किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बट्टा बट्टा, ठीक है, बटा, जिसको जिसके वह पी परपेंडिकुलर पी बाय बी, इसी को अनुपात कहते हैं, ठीक है। कभी इसका अनुपात आ जाएगा, कभी इसका अनुपात, कभी इसका अनुपात, कभी इससे अनुपात, इसी तरह, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये होगा, तो ये हो जाएगा, मैंने लिख लेता तब समझाते आप लोग को, ठीक है, धैर्य रखिए, समझाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको समझाते हैं, यही मैन है त्रिकोणमिति का, ठीक है, और जो एक ठो पाइथागोरस, दोनों ही मैन है पूरा, ठीक है। ये हुआ पी से परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यू बराबर क्या होता है, साइन थीटा। पी बाय एच को क्या नाम रखा है, पी बाय एच को क्या नाम रखा है, साइन थीटा, ठीक है। अब ये बेस है, बी से बेस और ऐसे एट हाइपोटेन्यूज यू, इसका बाय मतलब बटा क्या रखा है, b बाई एच, इसका बटा क्या रखा है, cos थीटा, ठीक है। अब ये p बाई बी है, p से परपेंडिकुलर, b से बेस, ठीक है, बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको क्या नाम रखा है, tan थीटा। अब इसको cosec थीटा, cosec थीटा को क्या रखा है, हाइपोटेन्यूज यू बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा को क्या रखा है, हाइपोटेन्यूज यू बाय बेस, कॉट थीटा को क्या नाम रखा है, बी बाय पी मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, उसी तरह यहाँ पर जैसे कि याद करने का ट्रिक, आपको बता रहे हैं, ठीक है। पी से यहाँ तुम लोग परपेंडिकुलर मानते थे, लेकिन हम लोग को यहाँ नहीं मानना है, क्या मानना है, उधर मानना है, बोलना है वही, लेकिन हम लोग अपने दिमाग से मतलब कैसे याद करें, ठीक है। तो पी से हम लोग क्या बोलेंगे, परनाम, ठीक है। बी से क्या बोलेंगे, बाबा। एस से क्या बोलेंगे, हरी। एक ठो और बी से क्या बोलेंगे, बोल,
ठीक है, इतना सिर्फ याद करना पड़ेगा, हम लोग भी याद किए हैं, आप लोग भी याद, आप लोग को भी याद करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए कैसे आपको बताते हैं, प्रणाम बाबा, प्रणाम प्रणाम, जैसे कि पी हुआ, प्रणाम बाबा प्रणाम, हरी हरी बोल, ठीक है। यहाँ पर नीचे में बोल सिर्फ बोलना है, ठीक है, प्रणाम बाबा प्रणाम, हरी हरी बोल। लेकिन इसको सबसे पहले याद करना पड़ेगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसको मतलब बारीकी से याद करेंगे तब मतलब ये आएगा काम, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि टेन दिया, आप यहाँ कोसेक दे देंगे तो गलत हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। इसी कारण इसको पहले सीरियल वाई याद करना होगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। निकाले हैं ट्रिक, तो ये पी से प्रणाम, पी से बाबा, पी से प्रणाम, प्रणाम बाबा प्रणाम, प्रणाम बाबा प्रणाम, ठीक। अब इधर हरी हरी बोल, या बाबा नहीं बोलना, हरी हरी बोल, अक्सर सब बोलता है हरी हरी बोल, प्रणाम बाबा प्रणाम, हरी हरी बोल, इसी तरह आपको रटना है। यहाँ से प्रणाम बाबा प्रणाम, हरी हरी बोल, फिर से यहाँ से क्या स्टार्ट किए थे, प्रणाम बाबा प्रणाम, यहाँ प्रणाम बाबा प्रणाम के फिर नीचे डायरेक्ट आके फिर यहाँ से हरी हरी बोल बोलना, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, यहाँ से हरी हरी बोल दे दिए, अब फिर यहाँ से एक बार फिर हरी हरी बोल दे देना, तब यहाँ से प्रणाम बाबा प्रणाम, ठीक है। या तो समझ में आ गया, अब फिर आप फिर से एक बार समझा देते हैं, पी से प्रणाम, बी से बाबा, पी से प्रणाम, ठीक है, प्रणाम बाबा प्रणाम, हरी हरी बोल, ठीक है। यहाँ से फिर स्टार्ट करना, हरी हरी बोल प्रणाम बाबा प्रणाम, जैसे कि आप प्रणाम बाबा प्रणाम बोले, हरी हरी बोल, उसी का इफेक्ट मतलब उल्टा उल्टा क्या करना है, जैसे कि पी बाई एच है, पी बाई एच है यहाँ पर, उसी का उल्टा एच बाई पी हो जाएगा, हुआ कि नहीं, एच बाई पी नहीं दिखाई दिया, जैसे कि आप पी बाई एच है। अब उस जैसे कि तीन भाग में इसको बांट दीजिए, तीन भाग में बांट दीजिए, तीन भाग करके दो भाग कर दिए, निकाल दिए, निकाल दिए। आप जैसे कि यहाँ पर हुआ पी बाई एच, हुआ हुआ है पी बाई एच, ये हुआ एक नंबर, ये दो नंबर, अक्सर ये वाला आद नहीं होगा तब, ठीक है। दूसरा ट्रिक बता रहे हैं, एक नंबर हुआ, ये दो नंबर हुआ, एक नंबर में जैसे कि पी बाई एच है, उसी यहाँ लिखते हैं पी बाई एच है, अब उसी का उल्टा करना है तो एच बाई पी हो जाएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर एच बाई पी हुआ, हुआ कि नहीं। अब उसी का फिर उल्टा, उसी का उल्टा यहाँ देखिए, हुआ कि नहीं, कॉस थीटा पी बाई एच, एच बाई पी हो गया रे, और ना ये बी है, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब उसी का उल्टा देखिए यहाँ पर, हेल्प, इसी कारण मतलब जैसे कि तीन ठो आप किसी तरह इस तरह मतलब अक्सर यही मतलब हर सर मतलब सर जी हर सर जी यही सब ट्रिक बताते हैं, मतलब अपना अपना सबका ट्रिक है, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, आपको यह सब समझ में आ गया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। आपका छोटा भाई चाहता है लेसन क्लासेस में, ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।